नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आज हम कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा में वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद उत्पादन इकाई में हम यहाँ विजिट पे हैं। हमारे साथ में है प्रगतिशील कृषक श्री पुष्कर जी धाकर और साथ में हमारे सहयोगी श्री आदित्य प्रताप सिंह जी राठौर। किसान भाइयों, जैसा कि हमने लगभग 2 महीने पहले हमारी जो केचुआ उत्पादन इकाई थी यहाँ पे केवीके में ये शुरू हुई थी, लगभग 60-62 दिन में हम देख रहे हैं कि केचुओं ने एक परत लगभग आधा फीट की जो है तैयार कर दी, जो कि एक बहुत बढ़िया उत्तम क्वालिटी की केचुआ खाद उत्पादन की है, जो कि केवीके में वर्तमान समय में 8 रुपये किलो पर केजी के हिसाब से केचुआ खाद जो है विक्रय के लिए तैयार है। जिन भी किसान भाइयों को केचुआ खाद की आवश्यकता हो वो कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा पे संपर्क कर सकते हैं। जैविक खेती में, सब्जियों में, फलों में इसका प्रयोग आसानी से कर और हम इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारे साथ में है श्री पुष्कर लाल जी धाकर, हम इनसे जानेंगे कि इसके जो है केचुआ खाद की क्या क्या बेनिफिट्स है। इनका भी केचुआ खाद की जो इकाई है वो एक बहुत बड़ी और वृहद स्तर पर इनका केचुआ खाद में कार्य किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं पुष्कर जी धाकर से। नमस्कार। केचुआ खाद के फायदे जमीन में बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा मोटा मोटा ही बताऊंगा। इसको डालने से जमीन उपजाऊ होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति करता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता है, जिससे पौधे में पूर्ण पोषण उपलब्ध होते हैं, तो वो ग्रोथ भी अच्छी करता है, तो उससे जहर मुक्त भोजन भी मिलेगा अपने को, उससे बीमारियों से भी दूर रहेंगे, इसके अनेक फायदे हैं। रसायनों के दुष्प्रभाव को जो मिट्टी में नुकसान होता है उसको ये कम कर सकते हैं। रासायनिक के कारण जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता है या कम हो गई या बिल्कुल भी नहीं है, ये क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। हमारी जमीन में जैविक कार्बन का स्तर बहुत कम हो चुका है, 0.3 के 0.2 के आसपास आ चुका है। जैविक कार्बन का स्तर बढ़ाने के लिए जैविक खाद में केचुआ खाद का उत्पादन बहुत आसानी से, सस्ता और सरल है। इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें और अधिक मात्रा में यदि केचुआ खाद की आवश्यकता हो किसान भाइयों, तो हमारे सहयोगी पुष्कर जी धाकर जो कि एक प्रगतिशील कृषक हैं रियावन गांव के, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हो। हमारे केवीके में लगभग वर्तमान समय में जो है 30 से 40 क्विंटल जो है गोबर खाद से अच्छा बना हुआ केचुआ खाद उपलब्ध है। धन्यवाद किसान साथियों। किसान मित्रों, अब देख लेते हैं वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी। आप आपके सामने देख सकते हैं केचुओं के साथ में वर्मी कंपोस्ट जो है जो रेडी हो चुका है उसकी क्वालिटी भी आप देख पाएंगे। और आपको वर्मी यूनिट के अंदर जहां पर वर्मी यूनिट लगी हुई है वहां पर भी आपको खोद कर दिखाते हैं, सर के द्वारा खोदा जा रहा है, तो किस प्रकार की शानदार क्वालिटी का जो वर्मी कंपोस्ट है आप यहां पर देख पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, खेतों को वापस से सजीव बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जो लहसुन के अंदर भी वर्मी कंपोस्ट उपयोग करते हैं, तो दोस्तों अपने यहाँ पर एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट जरूर लगाएं।